अभी बायोस में जाएंगे। बायोस में आप F2 प्रेस करने के बाद ये आपको पासवर्ड पूछ रहा है। अभी इसका पासवर्ड जिसने दिया है भूल गया है या पासवर्ड पता नहीं है, तो ऐसे कंडीशन पे आपको सीमॉस क्लियर करना पड़ेगा, या उसकी जो बायोस में बायोस को सप्लाई देते देने के लिए जो बैटरी है मदरबोर्ड पे उसको रिमूव करके वापस से लगाना पड़ेगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले सीमॉस क्लियर जम्पर के थ्रू कैसे कर सकते हैं उसके बारे में देखेंगे। यहाँ पे आप मदरबोर्ड पे देखेंगे तो ये येलो कलर की जो स्ट्रिप में ये जम्पर आपको दिखेगा दिख रहा है, तो ये आपका एक्चुअली सीमॉस क्लियर का जम्पर है। आप यहाँ पे उसकी जो सेटिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं, उसमें लिखा हुआ है 1 2 नॉर्मल सेटिंग, 2 3 कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग, और अगर जम्पर आपको कुछ भी ना लगाएंगे वहाँ पे तो ये रिकवरी मोड पे चला जाएगा। तो अभी जो है आपका 1 2 मोड पे है, तो अभी आप क्या कर सकते हैं इस जम्पर को रिमूव करके 2 3 पे कनेक्ट कर ले। इस तरह से आप जम्पर का सेटिंग चेंज कर सकते हैं। और अभी आप पीसी को ऑन करेंगे तो अभी ये पासवर्ड क्लियर हो जाएगा। अभी आप देख सकते हैं अभी ये बायोस के अंदर जाने के बाद पासवर्ड अभी नहीं मांग रहा है। तो अभी आप इसे सेव कर लें और वापस बाहर आ जाएं। इसके बाद आप वापस से आप जंपर को 1 2 पे सेट कर लें, और इसके बाद आप अगर पीसी स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बायोस में अभी आप देख सकते हैं सीपीयू पे प्रोसे मॉनिटर पे कि आप अगर बायोस में जाते हैं तो आपको अभी कोई पासवर्ड नहीं मांगेगा। इस तरह से आपका अगर बायोस का पासवर्ड दिया गया है आप जम्पर के थ्रू इसका बायोस का पासवर्ड क्लियर कर सकते हैं।